2-3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तुम्हारा नाम जवाब चलेंगे। कहाँ गई बिजली? अब आप बताएं आपका नाम क्या रखें? घरों में लोड शेडिंग, स्कूलों में लोड शेडिंग, दफातर में लोड शेडिंग, अदालतों में लोड शेडिंग, कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया कि इलेक्ट्रिक और सुई सदरन के झगड़े में आवाम पिस कर रह गए। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर ऐलानिया लोड शेडिंग दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। शहरियों की बर्दाश्त खत्म, रात भर बिजली ना मिली तो शहरी सड़कों पर आ गए और खूब एहतजाज किया। कराची में समंदरी हवाएं आज भी नहीं चलेंगी। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 10% रह गया। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। कल भी पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा था। जुमे से मौसम बेहतर हो जाएगा, महकमा मौसमियात की तसल्ली। बदमानी तो आज तक किसी को नजर नहीं आई, ना इंसाफी पूरी कौम को अब नजर आ रही है। नए राज अफशा हो रहे हैं, नए पोल खुल रहे हैं, फ्रॉड मुकदमा जो है इसके हकायक सामने आ रहे हैं। गलत फैसले के बाद गलत केस से हकायक निकल रहे हैं। नैब की तफ्तीश और झूठ सारी कौम के सामने आ गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद बहुत है, केस में कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत, मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की JIT सरबरा वाजिद जिया पर जिरह जारी। कौमी एयरलाइन को बर्बाद कर दिया गया। PIA को तबाह करने वाले गद्दार हैं, तमाम जिम्मेदारों को सामने लाएं। PIA के तमाम साबिक सरबराहान के नाम ECL में डालेंगे। कौमी असासों की फरोख से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाप्त में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा वो लोग मुल्क दुश्मन हैं जिन्होंने PIA का नुकसान किया। अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी सिफारतकार का नाम ECL में डालने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 5 से गुजरे और हाल तक ना पूछा। MKM के धड़ों में इत्तेहाद हुआ लेकिन फिर भी सर्द महरी क्यों? ATC में आमिर खान और फारूक सत्तार का आमना सामना, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया, हाथ तक ना मिलाया। बच्चों को पोलियो की वैक्सीन ना पिलवाने वाले वालिदैन अंजाम से अनजान। पोलियो से मुतासरा एक बच्चा 100 से 1000 बच्चों को इस मरस में मुबतला कर सकता है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के डॉक्टर खालिद का प्रोग्राम नया दिन में इंकशाफ। दास की फरमाइश पूरी ना करने पर गुलुकारा को गोलियां मार दी गई। समीना सिंधु हामिला थी, समा ने फायरिंग की वीडियो नशर की तो SSP ने नोटिस लिया और SHO को मुअत्तल कर दिया। बासर शख्स को गिरफ्तार और वाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आखिल में वडेरे ने गाड़ी से मेहनत कश को कुचल दिया। मेहनत कश मौके पर जहां भाग, वडेरा साथियों समेत गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, वर्सा का इल्जाम। जड़ावाला की 7 साल मुबशिरा के कातिल अब तक आजाद। अदालती हुक्म पर मासूम बच्ची की कब्र कुशाई, दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। नमाज जोहर के बाद वादी में मुजाहरे भी किए जाएंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जेरे हिरासत, हुर्रियत क़यादत घरों में नजर बंद। जंग से तबाह हाल शाम पर फजाई हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास बुला लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने एक ट्विटर पैगाम में शाम पर स्मार्ट मिसाइलों से हमले का इंदिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अमरीकी बहरी बीड़ा भी रवाना कर दिया। अमरीका धमकियां ना दे, अगर शाम पर हमले की कोशिश की तो भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सारी सूरत हाल पर अकवाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल एक बार फिर सर जोड़कर बैठेगी। शाम पर मुमकिन हमले के खिलाफ पेरिस में शहरी सड़कों पर निकल आए। Ronaldo, and he scores. Of course he scores. The greatest player in the history of Real Madrid, the finest goal scorer in the history of the Champions League. European Champions League.
लीग क्वार्टर फाइनल का दूसरा राउंड। यूवेंटस के 3 गोल पर रोनाल्डो का 1 गोल भारी पड़ गया। इटली का क्लब मैच जीतकर भी सेमीफाइनल से बाहर। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड फाइनल 4 में जगह बनाने वाली वाहिद स्पेनिश टीम रह गई। आखिरी क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की बायरन और स्पेन की सेविलिया का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। पहले राउंड में कामयाबी ने जर्मन चैंपियन को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। और दिलकश रंगों की बहार, फैशन के खूबसूरत जलवे, बहार और मौसम गर्मा के मलबूसात का खूबसूरत तालमेल, कराची में रंगारंग फैशन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। कहाँ गई बिजली, अब आप बताएं आपका नाम क्या रखें। बहुत बुरा हाल कर दिया भाई इन लोगों ने यार, अल्लाह माफ करे यार। यहाँ तो लाइट का पता ही नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं होती, किस तरह मेरा सारा दिन गुजरता है मेरा रब जाने। पानी नहीं आती, बिजली नहीं आती, हम लोग बिल भरे या खाना खाएं। उसी नहीं है, यहाँ पे लाइट आती है 1 घंटे 2 मिनट के बाद फिर चली जाती है। 2-2.5 घंटे लाइट आ रही है। नवाज शरीफ साहब को पूछिए, वो जो कह रहे थे कि लाइट आपकी जाएगी। आप देख रहे हैं समा, मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सिदरा मीर। बुलेटिन का आगाज तो खुशामदीद से करना चाहते थे, लेकिन पूरी आवाम की तरह हम भी परेशान हैं। सहरिश, लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सिदरा, ऑफिस आते हुए मेरे घर पर भी लाइट नहीं थी, इसीलिए तो बुलेटिन का आगाज हम इसी अफसोसनाक खबर से कर रहे हैं कि मुल्क में होने वाली तवील और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। कई कई घंटों तक बिजली गायब रहने से तंग आवाम एहतजाज पर उतर आए हैं। लोड शेडिंग में गर्मी की शिद्दत तो बर्दाश्त करना ही पड़ती है, साथ पानी की अदम फराहमी जलती पर तेल का काम करती है। ऐसे में अहले अख्तियार भी जिम्मेदारी से हाथ उठा दें तो आवाम एहतजाज ना करें तो क्या करें। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली के तवील तातुल के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया है। सुकून छिन गया, शहरियों का मीटर घूम गया, कराची वाले बिजली को तरसते रहे, पानी न आने पर दुहाई देते रहे। आयशा मंजिल पर एहतजाज के दौरान मकीनों का गम और गुस्सा बढ़ा तो पुलिस मुजाकरात के लिए पहुंची। शहरियों ने शिकवा किया कि बिजली है ना पानी, दिन रात है परेशानी, 16 से 18 घंटे बिजली गायब होने से मामूलाते जिंदगी ठप हो गए। उनके कुंडे लगे हुए हैं, जिन्होंने मीटर के बगैर बिजलियां ली हुई हैं, एसी चला रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि पूछे मत, लाइट आती ही नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं होती, बिल टाइम पे आते हैं हमारे पास। हमारे घर में ये होता है, राशन बाद में आता है, पहले बिल पेड होते हैं, लेकिन सुबह लाइट का ये है 9-10 घंटे नहीं होती और रात को जब भी चाहता है बंद कर देते हैं। पैदा हुए हैं, लोड शेडिंग देख रहे हैं, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुजारा इसको खत्म करें और हमें जीने का हक दें। कोरंगी, लांडी, मशा फैसल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, साइट गार्डन, लियारी, बल्दिया और औरंगी टाउन समेत मुतादिद इलाके बदतरीन लोड शेडिंग की लपेट में हैं। कराची में गर्मी बढ़ी तो लोड शेडिंग भी बढ़ा दी गई। कराची वाले दुहाई देने लगे, बिजली कब आएगी, ये सवाल करने लगे हैं। खुर्शीद आलम से मजीद बात कर लेते हैं। खुर्शीद, ये बताइएगा सबसे पहले कि इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर बिजली है क्या? मैं इस वक्त मौजूद हूं लायंस एरिया के इलाके में और ऐसे चंद लम्हे पहले यहां की लाइट चली गई है। और जब हम लोगों से बात की तो कुछ लोगों का जवाब ये था कि लाइट कब आएगी ये हमें नहीं मालूम, बिजली का बिल उनके पास बाकायदगी से आता है। यही सूरत हाल गुज़िश्ता रात भी हमने देखी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग तंग आमद बजंग आमद के तहत सड़क पर निकल आए, एहतजाज किया, चाहे वो नाजमाबाद का इलाका हो, पाबोश का इलाका हो, फेल्टबेरिया अजीज़ाबाद का इलाका हो, शाह फैसल हो, लांडी हो, करंगी हो। गर्ज है कि कराची का कौन सा ऐसा इलाका है कि जो इस इफरीत से बच गया हो, जो मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई हो, जिन इलाकों की रिकवरी 100% थी वहाँ पर भी अंधेरे का राज होता है रात को, और जिन इलाकों में जिन घरों में बीमार ज़यीफ़ या मफलूज अफराद रह रहे हैं उनकी कैफियत को मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता।
इस वक्त भी मैं जहाँ लाइन एरिया मौजूद हूँ, यहाँ छोटे छोटे कारखाने भी हैं, उन दुकानदारों से, उन छोटे ताजरों से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि हम अपना ऑर्डर वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकते, लेकिन जो दिहाड़ी के जो लोग काम करते हैं उनको हमें पैसे देने होते हैं। गर्ज़ ये कि बेबसी और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमतें दावा करते रहे गुड गवर्नेंस का, लेकिन आज तक ये दो इदारों के जो दरमियान चपकलिश है, के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि उसके पास जनरेटिंग जनरेशन की जो कैपेसिटी वो मौजूद है, सवाल अगर ये है कि अगर वो मौजूद है तो फर्नेस ऑयल जलाएँ और वो बिजली पैदा करें, शहरियों को बिजली दें, लेकिन हो ये रहा है कि दो इदारों के दरमियान लड़ाई को बज़ाहिर बनाया गया है कि हमें गैस नहीं मिल रही। भाई गैस नहीं मिल रही, आपके पास फर्नेस ऑयल का ऑप्शन मौजूद है, आप उससे बिजली पैदा कीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इस पूरे चक्कर में इस शहर के 2.5 से 3 करोड़ अफराद जो हैं मुतासर हो रहे हैं, और इस तपते गर्मी में इस टेम्परेचर 39 क्रॉस कर रहा है। जी बिल्कुल खुर्शीद, आज भी पारा तकरीबन 38 के करीब है और ऐसे में लोड शेडिंग जैसा अजाब बर्दाश्त करना शहरियों के लिए यकीनन मुमकिन नहीं है। आपने हमें तफसीलात दी हैं खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। और सिंध असेंबली के अरकान भी फट पड़े। मेहताब अकबर राशिदी कहती हैं, मेरे घर भी लाइट नहीं है और लाइट 3 बार चली जाती है, खुदारा हमें बिजली दो। महबूब, मिल जाता है लेकिन बिजली नहीं मिलती। अरकान मजीद क्या कहते हैं, सुनवाते हैं आपको। खुदारा मेहरबानी करें हम पर, सिंध के लोगों पर, सिंध के अवाम पर रहम करें और हमें बिजली दी जाए जो हमारा हक है। 3 दफ़े मेरी यहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है और 10 दिन से हो रही है। कल भी इस पे इशू हुआ, कैबिनेट में भी हुआ, चीफ मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फिर हम आज इशू रेज करेंगे, लेकिन है तकलीफ बहुत। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप महबूब का इंतज़ार करें कि मेरा महबूब कब आएगा, तो अब तो महबूब जल्दी आ जाता है, बिजली नहीं आ रही। महले पानी और बिजली इसीलिए नहीं आ रही कि कराची वाले ना वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं ना सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, अलबत्ता दोनों कराची पर हक अपना पूरा जमा। कराची में बिजली की तवील बंदिश पर पाक सरजमीन पार्टी भी मैदान में आ गई है। मुस्तफ़ा कमाल ने एहतजाज और धरने की धमकी दे डाली। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के वार, सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। पाक सरजमीन पार्टी ने एहतजाज और धरने की धमकी दे दी। शहर में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग पर मुस्तफा कमाल के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। उसने कराची वालों का खून चूस लिया, उसने 100 अरब रुपए का डाका डाला कराची वालों के जेबों से। PSP के रहनुमा के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर पहुँचे तो उन्हें भी सिर्फ यकीन दहानी करवाई गयी। इन्होंने हमें अश्योरेंस दी है की वो आज ही हमें वो डिटेल्स देंगे की इनकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, ये किस फ्यूल पे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद हम इनके प्लांट को विजिट भी करना चाहेंगे। PSP रहनुमाओं का कहना था कि अगर कोई समझता है कि शहर लावारिस है तो वो गलतफहमी खत्म कर दे। मुल्क में गर्मी का शॉर्टफॉल बढ़कर 4,325 तक जा पहुंचा। बिजली की मजमुई पैदावार 16,575 और तलब 20,900 मेगावाट तक जा पहुंची है। इसी पर बात करेंगे, समा के नुमाइंदे वहाब कामरान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन आपको बताएं कि मुल्क में गर्मी का शॉर्टफॉल बढ़कर 4,325 तक जा पहुंचा है। बिजली की मजमू पैदावार 16,575, जबकि अगर तलब की बात की जाए तो तलब 20,900 मेगावाट तक जा पहुंची है। लोग परेशान हैं, मुल्क भर में बिजली की लोड शेयरिंग हो रही है, दौरानिया मजीद बढ़ता जा रहा है। वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद है, वहाब बताइए क्या आदाद व शुमार बताएं। जी, बिजली के शॉर्टफॉल में मजीद इजाफा हो गया है। कल जो शॉर्टफॉल 3900 मेगावाट था, आज इजाफे के बाद 4300 मेगावाट तक जा पहुंचा है। और बिजली की जो इस वक्त मजमूई पैदावार है वो 16,575 मेगावाट है, जबकि तलब 20,900 मेगावाट तक जा पहुंची है। आज बिजली जिला से 3,675 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट भी। सही वहाब, आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात ने तो कह दिया है कि कराची में मजीद 2 दिन तक गर्मी बरकरार रहेगी। 2 रोज बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी, जबकि रवा हफ्ते बारिशों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बरसेगा। सिंध की साली पट्टी पे तो नहीं है इम्कान, वो तो 2 दिन गर्मी रहेगी, उसके बाद गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी, लेकिन सिंध के बालाई इलाकों में जो है 2 दिन के बाद चांसेस हैं बारिश के, और वही स्पेल जो है अपवर्ड मूव करेगा। नी मॉडरेट इंटेंसिटी है, बाद जगहों पर अच्छी बारिश भी होगी, लेकिन ज़्यादातर आंधी और हवा तेज गरज चमक इस तरह के फिनोमिना ऑब्जर्व होंगे। कराची में गर्मी उरूज पर है, आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरी किस तरह गर्मी से बच रहे हैं जानते हैं सोनिया शहजाद से।
जी बिल्कुल, आज कराची में सूरज फिर आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 11 बजे से 5 बजे के दरमियान शहरियों को फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, और मैं देख रही हूँ कि लोग जो है अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ जूसेस का सहारा ले रहे हैं। कोई सत्तू का शरबत पी रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है। हर इंसान गर्मी से बचने के लिए तमाम लोग कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने चाहेंगे, लेकिन खासतौर मशरूबात का, इस हवाले से गन्ने का रस बहुत बेहतरीन चीज है। लेकिन एक दिन में 2-3 गिलास तो पी लेते होंगे आप? कम अज कम, लेकिन मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितना हो सकते हैं पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि एक दिन में 2-3 गिलास इतनी शदीद गर्मी में किसी भी किस्म का जूस है बाहर चलते पिलते खरीद के जरूर पिए, क्योंकि आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होने वाली है। और शहरियों का ये भी कहना है कि अगर लोड शेडिंग पे और पानी की सहूलियात पे अगर गवर्नमेंट ख्याल रखे इस गर्मी में, तो शायद उनका जो ये गर्मी का सेशन है वो थोड़ा आसानी से गुजर जाए। जी, हैदराबाद में लोड शेडिंग ने दर्जियों की मुश्किलात बढ़ा दी। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से दर्जी फाकों पर मजबूर हैं। फकीर सलीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हैदराबाद में लोड शेडिंग का जो अजाब है, जो सिलसिला है, वो जारी है। जूं का तूं, जिसके बायस शहर में 10 से 12 घंटे है, जबकि रूरल का इलाका है वहाँ पे तो कल से बिजली की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और 16 से 18 घंटे तक जा पहुँची है लोड शेडिंग। शहर में जिन लोगों का रोज़गार बिजली से जुड़ा हुआ है वो किस हद तक परेशान है। हम इस वक्त एक दर्जी के दुकान में मौजूद है, उसको किस किस्म की मुश्किल का सामना है हम उनसे बात करते हैं। जहाँ 4 सूट बनाए जाते थे वहाँ मुश्किल से 2 सूट भी नहीं बनते। कस्टमर है ना, कस्टमर देखें इतना परेशान करता है, यहाँ तक कि ऐसी बात हो जाती है कस्टमर ऐसा लड़ने लग जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये जो कस्टमर है वो किस तरीके से इनको तंग करते हैं, और ये जो मजदूर तबके के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी का जो माश का जरिया यही है अपने बिजली से जुड़ा हुआ है, वो किस हद तक परेशान है, उसकी जो परेशानी का सबब है वो लोड शेडिंग है और बिजली है। जी, कौमी असेंबली में भी लोड शेयरिंग पर बहस की गई, लेकिन आबिद शेर अली के बाद वजीर मुमलिकत बराए तवानाई ओवैस लगारी ने भी ये कहकर हाथ उठा लिए कि जब तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी लोड शेयरिंग भी नहीं रुकेगी। हमें सूबों की हकूमत, उनकी पुलिस फोर्स, उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की भीख मांगते हैं कि आप हमारी मदद फरमाएं। जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे अमले के साथ जाके बिजली चोरों को नहीं पकड़ेगी, उन्हीं बेचारे चोरों के हमसाए जो हैं, जो मीटर रखते हैं, जिनका हक है बिजली का, उनको बिजली देने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक मीटर में दो और अगली जो चोरी है वहां मत दो। सखर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ता ही जा रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं साहिल जोगी से। यह मुल्क भर की तरह सखर में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पे शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सखर वैसे ही गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है, तो यहाँ गर्मी के बाद लोगों का जीना दुचार हो गया है और दूसरी तरफ कारोबार भी सख्त मुतासर हो रहा है। यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ कितनी लोड शेडिंग हो रही है और क्या परेशानी है आपको? पहले तो मैं नून लीग को फिलाफ लीग कहूँगा, जिसने दावा किया था कि 2018 तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म करेंगे, और अफसोस से कहना पड़ता है कि नून लीग खुद खत्म हो गई है, जिनको टुकड़ों में तकसीम किया गया है, मगर उन्होंने पाकिस्तान से कोई लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया। दिया इनका कहना है कि पाकिस्तान से कोई लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हुआ, नवाज लीग के दावे धरे के धरे रह गए हैं। जी, सिंध के आवाम बिजली के बाद साफ पानी से भी महरूम हो गए हैं। पीटीआई के अरकान ने सिंध असेंबली में धरना दे दिया। मजीद जान लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा कौन कौन सा रहनुमा शामिल है इस धरने में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असेंबली है, जो असेंबली में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ सिंध असेंबली के मरकजी गेट पर पीटीआई के अरकान असेंबली ने धरना दे दिया। परम शेर जमान समर अली खान असेंबली गेट पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सिंध के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, और हमें अगर असेंबली में बात करें तो सिंध असेंबली स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से आवाज उठाने नहीं दी जाती। सिंध में पानी का, सिंध में लोगों को इंसाफ नहीं मिला, लोग इंसाफ के लिए परेशान है। अगर असेंबली फ्लोर है सिंध का, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मेम्बरान की अक्सरियत होने की वजह से हमें असेंबली के अंदर नहीं भोजन दिया जा रहा है, इसीलिए हमने अब फैसला किया है कि सिंध को इंसाफ दो की मुहिम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सिंध को इंसाफ को 10 सालों का हिसाब दो, पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है। संजय, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए एक और अहम मामले की बात करते हैं। अमरीकी सफारतकार कर्नल जोसेफ की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर्नल जोसेफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक ने मकतूल अतीक बेग के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, मुलजिम का नाम ECL में डालने के लिए कानूनी नुक्ता बताएं। वकील का मौकफ था, अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ के खिलाफ जनेवा कन्वेंशन के तहत कार्रवाई हो सकती है। अदालत मुलजिम का नाम ECL में डालने का हुक्म दे। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया। SSP ऑपरेशंस नजीबुर रहमान कहते हैं वियाना कन्वेंशन के तहत कार्रवाई होगी। ने उनका डिप्लोमेटिक कार्ड जो है वो कब्जे में लिया, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया, जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ उसे कब्जे में लिया। इसी तरह से जो फॉर्मेलिटीज इन्वेस्टिगेशन की हैं वो पूरी की जा रही हैं और कार्रवाई डेफिनेटली हम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 है वो उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जिस बंदे को भी डिप्लोमेटिक का स्टेटस या डिप्लोमेट का स्टेटस होगा उसको आप डिटेन और अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ट्रायल कोर्ट में जाएगा, ट्रायल कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा और वो अमेरिकन जो हुकूमत है उनसे रब्ता करेंगी और उसके ऑप्शंस आगे हैं कि क्या उसमें बाकायदा उस मुल्क के का वेवर भी हो सकती है, अमेरिका वेव ऑफ कर सकता है। और अब बात करते हैं शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है हमारे खिलाफ मुकदमे में बदउनवानी आज तक नजर नहीं आई। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि केस में होने वाली नाइंसाफी कौन देख रही है, बताया जाए GIT में नामालूम अफराद कहाँ से आए। जो मुकदमा नैब कोर्ट में चल रहा है हमारे खिलाफ, इसमें बदउनवानी तो आज तक किसी को नजर नहीं आई। मेरी बात समझ रहे हैं आप, बदनवानी तो आज तक किसी को नजर नहीं आई, ना इंसाफी पूरी कौम को अब नजर आ रही है और हर आने वाले दिन नए राज अफशा हो रहे हैं, नए पोल खुल रहे हैं और ये जो इसका ये फ्रॉड मुकदमा जो है इसके हकायक सामने आ रहे हैं। ये भी एक राज खुल गया है इस मुकदमे में या GIT की जो रिपोर्ट बनी है उसमें 40 लोग जिनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, कौन थे ये लोग, कौन से महकमे से आए थे। मियां साहब चौधरी निसार को पार्टी टिकट देंगे, समा के सवाल पर नवाज शरीफ ने फिर खामोशी अख्तियार किए रखी, जबकि मरियम नवाज ने कहा कि ये मेरे अख्तियार में नहीं। चौधरी साहब को टिकट देंगे, मियां साहब टिकट दे रहे हैं सर, प्लीज सर, सर मियां साहब चौधरी साहब को टिकट देंगे। बाजी 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 अकेले आओ बाजी। मैडम चौधरी साहब को टिकट देंगे बाजी। मैं तो नहीं इसका फैसला। और अब खबर शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का जायजा लेने का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानब बैरून मुल्क असासों से मुतालिक तमाम मुकदमात मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया है। इसी से मुतालिक मजीद भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का जायजा लेने का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानब बैरून मुल्क असासों से मुतालिक तमाम मुकदमात मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया गया है। डांस क्यों नहीं कर रही, लाड़काना में रक्स ना करने पर गुलुकारा समीना सिंधु को कत्ल कर दिया गया। फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई है। नवीद लाड़क की रिपोर्ट देखिए। मकामी गुलुकारा आवाज का जादू जगा रही थी। लाड़काना के गांव कंगा में बच्चों के लिए सजाई तकरीब में गोलियां चल गई। नौजवान तारिक ने गुलुकारा को रक्स करने का कहा, समीना सिंधु ने इनकार किया तो मुलजिम तैश में आ गया, तीन गोलियां सीने पर मार दी। नहीं सकती थी तो उस दूल्हे के बाप ने बोला उसको कि उठती हो कि नहीं उठती हूँ, तो उधर उसके बराबर कोई जतोई बैठा हुआ था, तुम तुझको हमने क्यों बुलाया, इसको मारो गोली, तो उसने ज्यादा काम ही नहीं किया, उसको ढोक के गोली मार दी। अहले इलाका हामला समीना को फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, लेकिन वो बच्चे समेत पहले ही दम तोड़ चुकी थी।
इंसाफ चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फनकार जो है ना हर किसी को खुशियां देते हैं, हमको जो है ना गम मिलते हैं, हमारे जो फनकारों के पीछे लाश आते हैं। सामान्य फायरिंग की वीडियो नशर की तो एसएसपी ने नोटिस लेते हुए एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। तीन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़िक, समा लाड़काना। बच्ची नूर फातिमा के कत्ल के वाक़े पर चीफ जस्टिस ने मकतूला के वर्सा की फरियाद सुन ली है। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने चीचावतनी में कमसिन बच्ची से ज्यादती और कत्ल का नोटिस ले लिया। चीचावतनी में 8 साल नूर फातिमा को ज्यादती के बाद जिंदा जला दिया गया था। वर्सा ने इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से 24 घंटे में वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। अब आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहां पर तहसील जड़ावाला में मुबैना ज्यादती का शिकार मुबशरा की कब्र खुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है। यूसुफ चीमा से मजीद तफसीलात लेंगे। यूसुफ, अब पोस्टमार्टम दोबारा शुरू कर दिया गया है, रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, डॉक्टर्स की टीम जो है इस वक्त यहाँ पर कब्रिस्तान में पहुँच चुके हैं और बच्ची के जिस्म से नमूना जात जो है वो दोबारा से लिए जा रहे हैं, जिनको लेने के बाद लाहौर फ्रेंसिक के लिए भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट वहाँ से कुछ टाइम के बाद दोबारा से मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब के नोटिस के बाद उनके अदालत में जो पेश की गई थी उसको मुस्तद कर दिया गया था, और उसके बाद हुक्म दिया गया था कि दोबारा से एक बेंच बनाया जाए, एक पूरा डेस्क के साथ दोबारा से रिपोर्ट बनाई जाए। इस वक्त जो टीम जो यहाँ पर पहुँच चुकी हुई है और कब्र खुदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और बच्ची के जिस्म के नमूना जात लिए जा रहे हैं, तो हम इसके बाद जो है प्रोसेस के मुताबिक जो है रिपोर्ट यहाँ से आएगी। ठीक, यानी कि यहाँ से फ्रेंसिक लैब में ये रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। आपका शुक्रिया यूसुफ, आपने तफसीलात दी। शांगला में 5 साल मदीहा कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने 60 साल मुलजिम को 3 बार सजाए मौत सुना दी। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। सवात में नन्नी कली को मसलने वाला दरिंदा अंजाम के करीब। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने मुजरिम को 3 बार सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। मुजरिम के खिलाफ 3 चार्जेस थे, अदालत ने चार्ज फ्रेम किया था, इसके तहत मुलजिम को सजाए मौत और 2,00,000 रुपए जुर्माना। 60 साल जुमाराज ने शांगला के गांव शंग में 5 साल की मदिया को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। फैसले से काफी इत्मीनान हुआ, तसली हुई कि तकरीबन 9 महीने बाद मुझे इंसाफ मिल गया, लेकिन पूरी तसल्ली तब होगी जब मुलजिम को सरेआम लटकाया जाएगा। मदीहा वालदेन की इकलौती बेटी थी, जिसकी जुदाई पर वालदेन आज भी गमजदा हैं। सैयद शाहबुद्दीन, समा, स्वात। तैयबा तशद्दुद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने मुलजिमा माहीन बीबी और राजा खुरम अली खान को तलब कर लिया है। 17 अप्रैल को अदालत तैयबा तशद्दुद केस का फैसला सुनाएगी। इसी पर बात करेंगे, फैजान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बताइए कार्रवाई के हवाले से। फैजान से भी हम बात करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत ने मुलजिमा माहीन बीबी और राजा खुरम अली खान को तलब कर लिया है। आपको ये भी बताएं कि 17 अप्रैल को अदालत तैयबा तशद्दुद केस का फैसला सुनाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फैयाज। फैयाज, बताइए क्या कार्रवाई हुई है आज अदालत में? जी, आज तो अदालत कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि अदालत ने ये फैसला महफूज कर रखा था। तो अब अदालत ने फैसले की तारीख अनाउंस कर दी है, जिसमें 17 अप्रैल को तैयबा तशद्दुद केस का ये फैसला सुनाया जाएगा। ये दिसंबर 2016 में केस सामने ही इसको उठाया था, उसके बाद इसी को ही रिपोर्ट था, उसके बाद ये मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था, जहां पर जस्टिस आमिर फारूक ने मुलजमान और उनके खिलाफ भी शहादतें थी उसके बयान रिकॉर्ड किए और ट्रायल मुकम्मल होने पर उनका फैसला महफूज किया था। तो अब अदालत ने तारीख का ऐलान कर दिया है, 17 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि मुलजमान को भी अदालत में उस दिन पेश होने की हदायत दी है। मुलजमान की मौजूदगी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस आमरूक फैसला सुनाएंगे। अदालत ने ये फैसला महफूज कर रखा है, जिसके बाद अब तौर पर तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। 17 महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगने और महंगाई बढ़ने का खदशा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। शकील अहमद से मजीद तफसीलात लेते हैं। शकील, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में?
देखिए हुकूमत का तो ये कहना है कि इस साल जो जो कौमी तरक्की में इजाफे की जो शरह है वो 5.8% होगी, यानी 13 साल की बुलंद तरीन होगी। लेकिन एशियाई तरक्याती बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि इस साल 5.6% रहेगी जीडीपी ग्रोथ, और अगले साल इसको रिवर्स गियर लगेगा और 5.1% रहने का इम्कान है। साथ इस रिपोर्ट में ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि महंगाई मुल्क में बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर और तेल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है उसका महंगाई पर मनफी असर पड़ेगा। रेगुलेटरी ड्यूटी का फैसला जो पाकिस्तान ने दरामदात पर लगाया गया था उससे दरामदात का दबाव जो है वो कम करने में नाकाम रही है हुकूमत, और दरामदात में इजाफे से पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ रहा है। तो करंट अकाउंट खसारा और ऊपर से मालियाती खसारा, बजट खसारा जो है उस बढ़ने की वजह हुकूमत को दबाव का सामना है मुआशी फ्रंट पर, और एडीपी का ये कहना है कि आने वाले जो साल हैं वो मुश्किल होंगे पाकिस्तानी मईशत के लिए। इसी पर बात करेंगे, अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, हुकूमत को मुसलसल दबाव का सामना है, क्या देख रहे हैं आप? आपको वो याद आया जब नवाज शरीफ कहते थे कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, महंगाई पर काबू पा लिया है? देखिए जो झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोल बोल के तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है मईशत का। हम लोग दिखावे की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी आमदनी कम है और खर्च बहुत ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि मईशत जो है एक बार फिर बहरान का शिकार है, और कीमत जो है वो 10% तकरीबन गिर चुकी है पिछले 6 माह में, और ये गिर सकती है क्योंकि पाकिस्तान को तिजारत में 27 अरब डॉलर का खसारा है। हम इस दुनिया को 22 अरब डॉलर के करीब चीजें हैं और मंगाते 56 अरब डॉलर की चीजें हैं, और फिर जब रेमिटेंसेज आ जाती हैं तो उससे हमारा कुछ भला होता है, लेकिन 15-16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान को जल्द IMF के पास जाना पड़ेगा ताकि कर्जा लेकर अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन जो है वो बेहतर बना सके। फिर ये जो हुकूमत थी इसने आवाम को शोर नहीं के बहुत ज्यादा कर्जे लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और आप देखिए कि जब ये लोग आए थे तो 60 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था, अब ये 90 अरब डॉलर से बढ़ चुका है, और IMF की रिपोर्ट है कि ये 100 अरब डॉलर से बढ़ जाएगा। तो ये जो 40 अरब डॉलर का इन्होंने कर्जा ले लिया बाहर के मुल्कों से पिछले 4-5 सालों में, इसने तो मुल्क के की कमर तोड़ दी, और ये मस्नूई तौर पे इन्होंने ऐसे दिखावा किया हुआ है, और जल्द ही इसका नतीजा जो है आवाम को भुगतना पड़ेगा। साहब, जब बजट पेश किया जाता है तो फखरिया अंदाज में शरह नमू पर बात की जाती है, अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है क्या हुकूमत को इबहाम तक है आने वाले वक्त का? जी बिल्कुल है, ये मिसाइल जो आए हैं नए, इन्होंने वजारत खजाना का कंट्रोल संभाला तो इन्होंने कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां तो की है। इन्होंने जो रुपए को आर्जी तौर पे इन्होंने मस्त तौर पे ब्रेक लगाई हुई थी उसको इन्होंने डीवैल्यू किया ताकि हालात कुछ बेहतर हो सके। कुछ दरामदार पाबंदियां भी लाने की कोशिश की कि रेगुलेटरी ड्यूटी के जरिए दरामदात कम कर सके, मगर ऐसा हुआ नहीं जैसे अभी आपने रिपोर्ट में बताया। अब हमें जरूरत है कि हम भी जो गैर जरूरी चीजें दुनिया से खरीदते हैं उन पे बिल्कुल पाबंदी लगाएं, उनको कट ऑफ करें ताकि हमारा तजारती खसारा कम हो अपने अखराज। ठीक, यानी कि इस वक्त वक्त की जरूरत यह है कि तजारती खसारा कम होना चाहिए। अदनान आदिल साहब आपका शुक्रिया, और शकील अहमद भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। चावतनी में एकम सिंह बच्ची से ज्यादती और कत्ल पर चीफ जस्टिस का नोटिस, IG पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब, 8 साला नूर फातिमा को ज्यादती के बाद जिंदा जला दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में कैदी ने खुदकुशी कर ली, मोहम्मद अकरम को लड़ाई झगड़े के मुकदमे में जेल भिजवाया गया था। तैयबा तशद्दुद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी, 17 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने मुलजिमा माहिन बीबी और राजा खुर्रम अली खान को तलब कर लिया। और लाहौर का सेशन कोर्ट अखाड़ा बन गया, कत्ल केस के मुद्दई और मुलजिम पार्टी में झगड़ा, लड़ाई के दौरान ईंटें चल गई, पुलिस ने लड़ने वालों को हिरासत में ले लिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी के मामले पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कौमी एयरलाइन को बर्बाद कर दिया गया, इदारे को तबाह करने वाले मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। ज़ुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
قومی اثاثوں کی فروغ سے متعلق ازخود نوٹس کیس کی سماعت، باکمال لوگ لاجواب سروس والی قومی ایئر لائن کی تباہی کا مزید کچا چھٹا سامنے آ گیا۔ پی آئی اے کی 9 سالہ آڈٹ رپورٹ عدالت میں پیش، بتایا گیا کہ ادارے کا خسارہ 360 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ گراؤنڈ جہاز کی ماہانہ $7,35,000 ادائیگی کا بھی انکشاف، چیف جسٹس کا شدید اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیے کہ قومی ایئر لائن کو برباد کر کے رکھ دیا گیا، وہ لوگ ملک دشمن، غدار اور ظالم ہیں جنہوں نے ادارے کو نقصان پہنچایا اور تباہ کیا، نقصانات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا عہد دیا۔ یہ بھی صاف کہہ دیا کسی ذمہ دار کو نہیں چھوڑیں گے، وصولیاں ہوں گی، کسی ذمہ دار کو جیل بھی بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے، پی آئی اے کے تمام سابق سربراہان کے نام ای سی ایل میں ڈالیں گے۔ کیا قومی ایئر لائن کی نجکاری کا فیصلہ ہو چکا؟ وکیل سے چیف جسٹس کا استفسار، وکیل نے بتایا کہ ادارے کے 96% شیئر وفاقی حکومت کے ہیں۔ اپریل 2016 سے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی عمل کریں گے، پی آئی اے کی نجکاری پر حکومت سے جواب طلب، عدالت نے اٹارنی جنرل کو ادارے کے سابق ایم ڈیز اور مشیروں کی فہرست فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب آپ کو خبر دیں، سندھ اسمبلی میں 2014 اور 2016 کی آڈٹ رپورٹ پر خرم شیر زمان کی تحریک التوا اسپیکر نے مسترد کر دی۔ مائک بند ہونے کے باوجود خرم شیر زمان بولتے رہے، اسی پر بات کریں گے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے بتائیے کیا ہوا ہے اسمبلی میں آج؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان اور نثار کھوڑوں میں ایک بار پھر نوک جھونک ہوئی ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی بھی آج نثار کھوڑوں کی حمایت میں بول پڑے ہیں۔ اگر بات کریں تو خرم شیر زمان نے تحریک الٹوا پیش کی تھی 2016 اور 17 کی آڈٹ رپورٹ میں سنگین سندھ میں بدنامیاں کی گئی اور جو مالی بے ضابطیاں کی گئی اس کے متعلق یہ تحریک الٹوا اسے پیش کرنے نہ دی گئی، جس کے بعد جو ہے خرم شیر زمان کے اسپیکر سندھ اسمبلی نے مائک بند کر دیا اور یہ بھی کہا کہ 5 سالوں سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اسمبلی میں کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح تحریک پیش کرتے ہیں، مگر آپ کے سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی۔ آج اس کے بعد خرم شیر زمان مائک بند ہونے کے باوجود بھی بولتے رہے اور سندھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آج اگر سندھ اسمبلی کے ایوان کی بات کریں تو ایوان سے کئی وزرا جو ہے وہ آج غائب ہے، جس کی وجہ سے کافی سہولت دلائے نوٹس جو ہے وہ مختلف ارکان کی جانب سے پیش کی۔ سنجے بہت شکریہ آپ کا، افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ لاہور میں ٹریفک حادثے میں 3 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد اینٹوں سے لدی ٹرالی پر سو رہے تھے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید دیکھیے صہیب ملک کی رپورٹ میں۔ معمولی سی لاپرواہی، 3 جانیں نکل گئی، ٹرالی کے اوپر سوئے ہوئے مزدور جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا جنوبی چھاونی کے علاقے میں۔ 3 مزدور اینٹوں سے لدی ٹرالی کے اوپر سو رہے تھے، ٹرالی حد اونچائی والی رکاوٹ سے ٹکرائی اور 3 افراد بری طرح زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن کوئی بھی جانبر نہ ہو سکا۔ جاں بحق ہونے والے شاہد، نثار اور ساجد کوٹ رادھا کشن کے رہائشی تھے۔ پولیس نے ٹریکٹر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ سے 3 خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ پاک فوج نے دشمن کو کرارا جواب دیا ہے۔ اسلام آباد سے طارق محمود کی رپورٹ۔ ایل او سی پر بھارت کی اشتعال انگیزیاں جاری، قاتل فوج اپنی بربریت سے باز نہ آئی، کھوئی رٹا سیکٹر میں پھر گولیوں کی برسات کر دی، جس کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بوزل فوج نے شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی اور مارٹر گولے پھینکے، جس سے مکان کی چھت اڑ گئی جبکہ متعدد جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، جس کے بعد سورماؤں کے مورچوں میں سناٹا چھا گیا۔ انسانیت سے آری بھارتی فوج مسلسل فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس میں متعدد افراد شہید اور کئی زخمی ہو چکے ہیں۔